नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा दलजीत कौर और उनके एक्स हस्बैंड शालीन भनोट के प्यार के चर्चे टीवी इंडस्ट्री के गलियारों में आज भी गूंज रहे हैं। कहते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। यही नहीं, जब फैंस को दोनों के अलग होने की जानकारी मिली तो कई लोगों को बुरा झटका भी लगा था। आज दलजीत अपना जन्मदिन मना रही है। इस खास मौके पर एक्ट्रेस के लाइफ के उन हिडन सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे शायद ही कोई वाकिफ हो। बता दें कि इन दिनों शालीन भनोट बिग बॉस 16 में कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ रहे हैं। एक्टर शो के जरिए आए दिन पॉपुलैरिटी भी बटोर रहे हैं। इन दिनों बीबी हाउस में उनकी और टीना की नजदीकियों के खूब चर्चे भी हो रहे हैं। लेकिन आखिर अपनी एक्स वाइफ पर जान छिड़कने वाले शालीन ने ऐसा क्या कर दिया कि दलजीत ने उन्हें तलाक दे दिया। शालीन और दलजीत की मैरिड लाइफ काफी विवादों में रही। रिपोर्ट्स की माने तो दलजीत ने शालीन पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इतना ही नहीं, अपने शिकायत में दलजीत ने शालीन को एग्रेसिव नेचर वाला इंसान भी बताया था, जिसके कुछ उदाहरण लोगों को बिग बॉस हाउस में भी देखने को मिला। शालीन की एक्स वाइफ ने तो उनके गुस्सैल होने के सबूत भी दिए थे। परिवार वालों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे के साथ साथ फेरे भी लिए। शादी के कुछ सालों तक दोनों का रिश्ता बेहद खूबसूरत मोड़ पड़ रहा, लेकिन 3 साल बाद कपल के घर बेटे ने जन्म लिया और उसके बाद से दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दरार आने लगी। इनके रिश्तों का एक वक्त ऐसा भी था जब इन्होंने फैमिली के साथ साथ फैंस को भी शोक में डाल दिया था। दरअसल घरेलू हिंसा की शिकार हुई दलजीत ने शादी के 6 साल बाद साल 2015 में तलाक ले लिया। आपको बता दें कि तलाक से पहले दोनों ने अपने रिश्ते को एक मौका देते हुए नच बलिए सीजन 4 में भी हिस्सा लिया था। यही नहीं, इस शो में दोनों ने शो की ट्रॉफी जीतकर विनर का खिताब भी पहना था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी इनका रिश्ता पहले जैसा नहीं हो पाया और दोनों को अलग होना पड़ा। आज दलजीत अपने बेटे के साथ सिंगल मॉम बनकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।